हेलो लानस, मैं हूँ चंद्रा दास। मैंने एजुकेशन में नेट और स्लेट क्वालिफाइड किया है और साथ ही में मैं एमएससी एमएड भी हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको एजुकेशन पेपर टू का जो यूनिट वन है उसका जो हम सेकंड सबसेक्शन कर रहे हैं वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलोसफी उसका जो लास्ट इज्म है वो आज हम डिस्कस करेंगे जो कि है एग्जिस्टेंशियलिज्म। और ये जब सब इज्म्स हम कंप्लीट कर लेंगे ये इज्म्स उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर्स पेपर ताकि मुझे पता चले कि आपका डाउट्स क्या है, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हुए हैं। और ये वीडियो एंटी नेट एक्सपीरियंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो ये वीडियो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद एग्जिस्टेंशियलिज्म। नाउ दिस इज्म, ये जो वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी है इसके नाम से एग्जिस्ट से ही आपको पता चलेगा दैट कि ये फिलॉसफी कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ के एग्जिस्टेंस के बारे में बताया है। तो किस चीज़ के एग्जिस्टेंस के बारे में हम यहाँ बात करेंगे तो ये हम इंट्रोडक्शन में पता कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एन यूरोपियन फिलॉसफी विच इज़ ओरिजिनेटेड बिफोर 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी से पहले ही इसका ओरिजिनेट हो चुका है और एक यूरोपियन फिलॉसफी, ये आपको याद रखना है। इट्स एन यूरोपियन फिलॉसफी। इट बिकेम पॉपुलर आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, दैट इज 1939 और 1945 के बीच में जो दो वर्ल्ड वॉर्स है, वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू। लेकिन इट बिकेम पॉपुलर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्योंकि इन वॉर्स में इंडिविजुअलिटी जो है हर एक इंसान का, इंडिविजुअलिटी ऑफ मैन, उनको नेग्लेक्ट किया गया है। बहुत नेग्लेक्ट किया गया है, इसीलिए जब इस चीज़ को देखा द पीपल हु वेयर फॉर दिस एग्जिस्टेंशियलिज्म जिसको एग्जिस्टेंशियलिस्ट कहते हैं, तो ये जो फिलॉसफी है ये उससे उत्पन्न हुआ। इट केम इन टू बींग जस्ट आफ्टर सीइंग कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल दे आर नेग्लेक्टेड, कि एक इंसान का जो इंडिविजुअलिटी है, इंडिविजुअलिटी मतलब कि द यूनिकनेस, द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, जो उसको हर एक इंसान से, एक इंसान अलग अलग जो होते हैं, हमारा एक यूनिक कैरेक्टर है, तो वो इंडिविजुअलिटी इसको नेग्लेक्ट किया गया है। मीन्स सब्जेक्टिव के तरफ नहीं, ऑब्जेक्टिवनेस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हुआ था, इसीलिए ये एग्जिस्टेंशियलिज्म जो ये फिलॉसफी है इट केम इन टू बींग। तो इससे आपको पता चल गया कि एग्जिस्टेंशियलिस्ट, ये जो एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलॉसफी है इट इज़ मोर इंक्लाइंड टू इंडिविजुअलिस्टिक। सो इट्स एन इंडिविजुअलिस्टिक फिलॉसफी। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंसान के इंडिविजुअलिटी पर ये फिलॉसफी फोकस है। तो आगे देखते हैं क्या है। ऑब्जेक्टिविटी वॉज एम्फसाइज्ड विच लेड टू इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। क्या था दैट बिफोर 20th सेंचुरी, दैट इज समवेयर इन 18th सेंचुरी, जो ऑब्जेक्टिविटी है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी मतलब हर चीज को साइंटिफिक लॉजिकल रीजनिंग से बिलीव करना, मतलब मैंने कहा है इसलिए आप बिलीव नहीं करेंगे, कि साइंस ने इसको कंफर्म किया है तो आप तभी बिलीव करेंगे। तो इट्स, तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिविटी है, इट्स नॉट सब्जेक्टिव। ये हमारा नेचर ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है, कि हम कोई भी कुछ बोल देंगे तो उससे विश्वास नहीं करते। वी बिलीव इन, वी नीड सम साइंस फैक्ट्स, फैक्ट्स हमें साइंस ने इसको कंफर्म किया है, इट्स यूनिवर्सली जब ये एक्सेप्टेड है तभी हम इसको बिलीव करते हैं, दैट मीन्स ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी कुछ ज़्यादा ही हो जाता है जिससे क्या होता है कि हम इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजीज, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हमने खुद डेवलप कर लिया है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो गए हैं और चारों ओर देर इज डिजिटलाइजेशन, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इससे क्या हुआ है कि हम जो इंसान हैं, हम स्लेव, मतलब हम टेक्नोलॉजीज को नहीं चला रहे, जैसे कि टेक्नोलॉजी हमको चला रहे हैं, ये हो गया है कि वी आर काइंड ऑफ स्लेव टू मशीन्स। हाँ, मशीन से स्लेव बन गए हैं। तो सब्जेक्टिविटी कहाँ है यहाँ पे, कि हम जो ओपिनियंस देते हैं, हमारा ओपिनियंस तो क्या होता है, हम कभी कुछ बोलते हैं, अच्छा मैंने कुछ बोला है किसी को कि ऐसा ऐसा है, तो कोई सोचेगा अरे ये क्या बोल रही है, लेट्स सी कि गूगल में जाके देख लिया। क्यों, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सब्जेक्टिविटी का कुछ रहा ही नहीं, हार्डली हम विश्वास करते कि हमने
शायद अभी इस जनरेशन के चिल्ड्रन तो ग्रैंड पेरेंट्स के कुछ बातें वो विश्वास ही नहीं करेंगे आपके, या इलॉजिकल बातें कर रहे हैं, तो साइंस में तो ये सब है ही नहीं. तो दैट इज द थिंग कि सब्जेक्टिविटी नहीं, ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई है. और इसी की वजह से जो हमने इंडस्ट्रीज और जो हमने टेक्नोलॉजीज खड़ा किया है, वी हैव बिकम द स्लेव द मशीन्स. और ये क्या हुआ है, हमारी इंडिविजुअलिटी को निग्लेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे. सो ये भी एक कारण है कि ये जो एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये फिलोसफी है, ये केम इन टू बींग. तो इसका हम अर्थ जानते हैं कि ये जो एग्जिस्टेंट वर्ड है ये कैसे डिराइव हुआ है. द टू जर्म वर्ड, दो जर्मन वर्ड से डिराइव हुआ है. एक है एक्स सिस्टेंट, इसका अर्थ है कि टू इमर्ज आउट, टू स्टैंड आउट. टू इमर्ज आउट, टू स्टैंड आउट किस चीज़ से? टू इमर्ज आउट फ्रॉम द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ. आपका कुछ प्रॉब्लम है, आप उसको स्टैंड लो, उससे उभर के आओ. वो इंडिविजुअलिटी, ईच एंड यूनिकनेस हर इंसान में होना चाहिए. कि इसीलिए ये जो फिलॉसफी है ये इंडिविजुअलिटी पर फोकस है. ठीक है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, हर एक इंसान का जो इंडिविजुअलिस्टिक एग्जिस्टेंस, मैं मेरा एग्जिस्टेंस किस चीज के लिए है? देर हैज टू बी अ पर्टिकुलर पर्पज. मेरा एक पर्टिकुलर पर्पज है, तो मेरा इंडिविजुअल पर्पज है फ्रीडम. हाँ, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड हैव फ्रीडम. फ्रीडम होना जरूरी है. चॉइस, हर एक इंसान का अपना अपना जो चॉइस है वो रखने का, मतलब हम अपना चॉइस रख सकते हैं, ऐसा एक पर्टिकुलर थॉट होना चाहिए, फिलॉसफी होना चाहिए. ठीक है, इंडिविजुअल्स टेक रैशनल डिसीजंस. जो रैशनल डिसीजंस है, डिसीजंस रिगार्डिंग ऑन बेस्ड ऑन रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग जहाँ पे है, तो इस तरह का डिसीजंस हम खुद ले सके. ठीक है, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक इंसान का अपना अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम खुद से ले, अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से ले, ना कि मैं यहाँ पे एक होके सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेना है, या फिर जो आगे के फिलोसफीज होते हैं, गॉड इज द क्रिएटर एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल, उनसे परमिशन लो. तो ये जो फिलोसफी है ये सब नहीं मानता है. यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लो. जज हिज और हर ओन एक्शंस, आप जो करेंगे, वट एवर यू विल डू, वट एवर यू विल बी योर एक्टिविटीज, जो भी आपके एक्शंस होंगे, आपके डूइंग्स होंगे, यू नीड टू जज देम बाय योर सेल्फ. आप उसे खुद जज करें, कोई आपको जज करके नहीं देगा कि नहीं ये गलत है या आप ऐसा करें, तभी आप मानोगे ना. यू शुड हैव, आपको वो एक प्रोसेस, माइंड प्रोसेस होना चाहिए कि आप अपना जो एक्टिविटीज है वो आप खुद जज करें. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो फिलॉसफी एग्जिस्टेंशियल, ये आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि इट्स सर्कल्स अराउंड दी इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिस्टिक. हर एक आदमी का जो अपना क्वालिटी है जो उसको हर एक आदमी से अलग करता है, तो इस चीज के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि एक मैन, एग्जिस्टेंस ऑफ ए मैन, हिज फ्रीडम, हिज इंडिविजुअलिटी, इस चीज पर ये एग्जिस्टेंशियलिज्म बेस्ड. तो इससे आप जो हमारे दूसरे फिलोसफीज है जो हमने नेचुरलिज्म आइडियलिज्म पढ़ा था, नेचुरलिज्म में क्या था कि नेचर, आइडियलिज्म में पढ़ा था आइडियाज, आइडियल्स, स्पिरिट. तो इस तरह के आप पता लगा सकते कि एग्जिस्टेंशियलिज्म में द इंडिविजुअल. ठीक है, जो मेन पॉइंट है यहाँ पे जानना. तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन है, तो आप इसके फीचर्स की तरफ आते हैं. तो ले अभी स्टार्ट कर लेते हैं, हम जो नेक्स्ट पार्ट है फिलोसॉफिकल थीम्स वो डिस्कस कर लेते हैं. उसके बाद हम कुछ फीचर्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इम्प्लीकेशंस की तरफ जाएंगे. तो कुछ फिलोसॉफिकल थीम्स अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिज्म की क्या है ये? ट्रूथ इज इटर्नल एंड सब्जेक्टिव. ये जो ट्रूथ है, सच्चाई है, उसे इटर्नल कहा है, दैट मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, दैट इज विच हैव नो एंड, किसे अंत नहीं है, इट्स लॉन्ग लास्टिंग. एंड इज सब्जेक्टिव, ये एग्जिस्टेंशियलिज्म के अनुसार ट्रूथ शुड बी सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव मतलब जो हमारा ओपिनियन होता है, जो हमारा बिलीफ होता है, उसी के बेस पर एक मीन्स ट्रूथ तय किया जाए, एक सच होगा. ठीक है, जो भी होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन आवर बिलीफ एंड ओपिनियंस. हमारे बिलीफ और ओपिनियंस पर ही बेस होगा एक सच, वो किसी साइंस या टेक्नोलॉजी पे से कन्फर्म नहीं होगा, तब ट्रूथ ऑब्जेक्टिव बन जाएगा. सब्जेक्टिव इसलिए क्योंकि वो हमारे ओपिनियन और बिलीफ से
कंफर्म होगा। तो ये एग्जिस्टेंशियलिज्म का अनुसार ऐसा होना चाहिए कि ट्रूथ शुड बी सब्जेक्टिव, वो हमारे ओपिनियन और बिलीफ से ही बेस होना चाहिए, इनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। एग्जिस्टेंस इज प्रायर टू थिंकिंग, सो मीन्स हम हैं इसलिए ये जो थिंकिंग प्रोसेस है वो है। आई थिंक बिकॉज आई एग्जिस्ट, मैं एग्जिस्ट करती हूँ तभी तो ये जो थिंकिंग प्रोसेस वो है। तो मेरे पहले तो मेरे एग्जिस्टेंस के पहले तो ये थिंकिंग प्रोसेस नहीं हो सकती। दैट इज वाई एग्जिस्टेंस इज प्रायर टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोसेस से पहले ही एक इंसान के एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस को इम्पोर्टेंस दिया जाना चाहिए। यूनियन विद गॉड, अच्छा इसका भी एक है कि एग्जिस्टेंशियलिस्ट्स जो होते हैं उनके अनुसार यूनियन भगवान के साथ हमारा यूनियन हो सकता है तभी जब जो हमारा इंडिविजुअलिटी है उसको नेग्लेक्ट या उसको कैंसल आउट या फिर आप बोल सकते हैं उसको नज़रअंदाज ना किया जाए तभी हमारा यूनियन विद गॉड हो सकता है। इंडिविजुअली को इंडिविजुअलिटी जो है हमारा उसको नेग्लेक्ट करके भगवान को ही सर्वोपरि मान के इस तरह से हमारा यूनियन नहीं होगा। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंशियलिज्म यूनियन विद गॉड को रखेंगे तभी जब हमारा जो इंडिविजुअलिटी है उसको अनदेखा ना किया जाए। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन को फोकस किया है क्योंकि इट इज ऑल अबाउट सेल्फ। तो हमारा क्या पर्पज़ है, हम हमारा ओरिजिन क्यों हुआ है, क्या पर्पज़ है, हम कौन है, हमारे बारे में खुद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है अबाउट आवर सेल्फ। ठीक है, तो ये फिलोसफिकल थीम्स कुछ है जो एग्जिस्टेंशियलिज्म फिलोसफी ने दिया है। तो उसके बाद कुछ फीचर्स आते हैं और इन्हीं जो फिलोसफिकल थीम से इन्हीं पर बेस्ड होकर कुछ फीचर्स है वो हम जस्ट एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। पहला, ह्यूमन नेचर इज चोजन थ्रू चॉइसेस। मैंने जो इंट्रोडक्शन में बोला था कि चॉइस को प्राधान्यता दिया जाता है कि एक ह्यूमन का जो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल उसका जो खुद का अपना चॉइस है वो होना बहुत ज़रूरी है, इंडिविजुअली उसको फोकस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ह्यूमन नेचर इज चोजन थ्रू चॉइसेस। ह्यूमन पर्सनैलिटी, ईच एंड एवरी ह्यूमन का एक उनका हर एक इंसान का एक अलग अलग पर्सनैलिटी होगा तो उस पर फोकस करना ज़रूरी है। हम पूरी ह्यूमन जो हमारा ये स्पीसीस है होमो सेपियंस जो हम बोलते हैं उसको एक चीज़ में ही हम नहीं समझ सकते। हर एक इंसान का अपना अपना एक पर्सनैलिटी है और ईच एंड एवरी पर्सनैलिटी शुड बी फोकस्ड इंडिविजुअली, सो उस पर ध्यान दिया गया है। यहाँ पर एक मास की तरह जैसे हम बोलते हैं एजुकेशन ऑफ द मास, एजुकेशन ऑफ द पीपल, इस तरह से नहीं जाना जाएगा, एजुकेशन ऑफ द इंडिविजुअल। हर एक इंसान का अपना पर्सनैलिटी है, अपना यूनिकनेस है और उसी इंडिविजुअलिटी पर फोकस करना है। ठीक है, तो ह्यूमन पर्सनैलिटी, हर एक इंसान का पर्सनैलिटी पर फोकस करना है। नेचर ऑफ रियलिटी सब्जेक्टिव, ये जो मैंने कहा है ट्रूथ इज सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे फीचर के भी अनुसार जो रियलिटी है वो हमारे ओपिनियन और हमारे बिलीफ से होगा। ठीक है, इट विल बी सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस ये है, ऑब्जेक्टिव जो रियलिटी है जो सच है दैट विल बी बेस्ड ऑन साइंस, मीन्स साइंस ही उसको कन्फर्म करेंगे एंड इट विल बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। सब्जेक्टिव जो है वो हमारे ओपिनियन हमारे बिलीफ से होगा। ठीक है, हमारे थ्रू वो है सब्जेक्टिव। रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो हमारा कॉन्शियस लेवल है, कॉन्शियसनेस ऑफ व्हाट, अवेयरनेस ऑफ आवर ईच एंड एवरी सेंसेस, कि क्या हर सेंसेस का जो इस्तेमाल है उसका मीन्स अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, उसको यहाँ पर कहा है रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, एडवोकेट्स फ्री विल एंड फ्रीडम। हर एक इंसान का जो अपना विल है और हर एक इंसान को जो फ्रीडम है वो पूरी तरह से दिया जाना चाहिए। ठीक है, फ्रीडम नॉट इन द सेंस कि वो गलत करे, इन अ पॉजिटिव सेंस कि आप अपना आवाज़ उठा सकते हो, आपका वो फ्री फ्रीडम है, आप अपना विल रख सकते हो। तो इस तरह के एवरी इंडिविजुअल का जो विल है जो फ्रीडम है उस पर फोकस करना ज़रूरी है। सिक्स पॉइंट इज फाइट फॉर लाइफ। अ ह्यूमन एग्जिस्टेंस विल बी बेस्ट, जिसको बेस्ट स्टडी कर सकता है
जब आप अपने लिए फाइट करोगे, स्ट्रगल फॉर योर लाइफ, हाउ, नॉट इन द नेगेटिव सेंस, मैं हमेशा कहती हूँ, इन अ पॉजिटिव सेंस, आपका जो हक है उसके लिए आप फाइट करो, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने जो कहा है कि मास मास की तरह समझ के आपको कुछ दे देते हैं, आप उसको एक्सेप्ट करें, क्यों, आपका खुद का भी तो कुछ, अपना भी तो कुछ विल होगा, अपना भी तो कुछ चॉइसेस होंगे, तो उसके लिए आप फाइट करो, इंडिविजुअलिटी को हमेशा रखो, आप उसने इसको एक्सेप्ट किया है तो उस मैं भी एक्सेप्ट कर लेती हूँ, क्यों, आपका भी तो कुछ होगा ना, यू विल हैव योर ओन चॉइस, यू विल हैव योर ओन एक्सपीरियंस, अपना खुद का होगा, तो उसी के अनुसार आप फाइट करो, ठीक है, तो उसको यहाँ पे प्राधान्य दिया है कि फाइट फॉर लाइफ, स्ट्रगल फॉर योर सेल्फ, स्ट्रगल फॉर योर सेटिस्फैक्शन, नॉट इन अ नेगेटिव सेंस बट इन अ पॉजिटिव सेंस. यूनिकनेस एंड आइसोलेशन ऑफ एक्सपीरियंस, हर इंसान का जो अपने लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, हर एक इंसान का एक यूनिकनेस होता है, और उसका आइसोलेशन क्यों कहा गया है कि सेपरेशन, कभी कभी मिल कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे एक जैसे मिलते हैं, लेकिन हर एक एक्सपीरियंस में आप देखेंगे कि कुछ सेपरेशन, कुछ आइसोलेटेड फैक्ट्स आपको मिलेंगे, इसीलिए जो यूनिकनेस है और जो आइसोलेटेड फैक्ट्स है हर एक इंसान के एक्सपीरियंस का, उसका फोकस होना ज़रूरी है, उस पर फोकस करना है हमेशा, यूनिकनेस है. अच्छा, ये जो हम फीचर्स पढ़ते हैं इसको कि हम एजुकेशन इम्प्लीकेशंस में कैसे डालें, उसके अनुसार हम पढ़ रहे हैं, एग्जिस्टेंशियलिज्म ने कुछ इस तरह के फैक्ट्स रखे हैं, हम उसी के अनुसार इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है. फ्री एजेंट किसको कहा है कि ह्यूमन बींग, वो एक फ्री एजेंट है कि वो अपना डिसीजंस खुद ले सकते हैं इन अ पॉजिटिव वे. एम इज एक्शंस, हमें बहुत सारे जैसे ज्ञान मिलेंगे, थ्योरिटिकल नॉलेजेस हमें मिलेंगे, लेकिन हमें हम थ्योरी से ज़्यादा हमारे एक्शन पर हमें ज़्यादा फोकस रहना है, और हर एक इंसान का यहाँ पे जैसे इंडिविजुअलिस्टिक के बारे में, हर एक इंसान का अपना अपना यूनिक एक्शंस होंगे, तो हर एक इंसान जब अपने एक्शंस पर ज़्यादा ध्यान देंगे तो डेवलपमेंट ज़्यादा होगी. Human beings will not be neglected. तो aim should be action. Means aim is action. Means to do. करना. Theory से ज़्यादा हम action पे ज़्यादा focus रहेंगे. Not agreeing with the traditional explanations. जो traditional explanations कह के गए थे, जो idealism, naturalism या whatever the isms, और जो philosophies में, Indian schools of philosophies में जो कहा गया, कुछ हमारा world और हमारे बीच में जो रिलेशन है, गॉड और हमारे बीच में जो रिलेशन है, ऐसे कुछ फैक्ट्स कह गए, सो एग्री नहीं करेंगे, ठीक है. एग्जिस्टेंशियलिस्ट दे डोंट एग्री ऑन द ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशंस ऑफ द रिलेशन ऑफ मैन एंड द वर्ल्ड और मैन एंड द गॉड. ट्रेडिशनल क्यों बिलीव नहीं, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा है कि इंडिविजुअलिस्टिक जो फिलॉसफी यहाँ पे कहा गया उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो उस हर एक चीज को नहीं, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म के जो थॉट्स है उस वो एग्जिस्टेंशियलिस्ट फॉलो करते हैं, क्योंकि दिस बेस्ड ऑन ह्यूमंस पर्सनालिटी, ह्यूमंस एक्शंस. तो क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जिस्टेंशियलिज्म ने कहा कि वो एग्री नहीं करते हैं उन ट्रेडिशनल एक्सप्लेनेशंस पर, ठीक है, ये एग्जिस्टेंशियलिज्म का एक फीचर है, ठीक है. तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे, तो ये आपका यहाँ पे हम फीचर्स ख़त्म हो, तो इन जो फीचर्स है और ये जो थीम्स है फिलोसॉफिकल, इनके बेसिस पर हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में क्या फैक्ट्स आएंगे, कि क्या इम्प्लीकेशंस होंगे एजुकेशनल सेटिंग्स में, तो वो डिस्कस कर लेते हैं. सो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस है एग्जिस्टेंशियलिज्म इस फिलोसफी के अंदर, कि क्या एग्जिस्टेंशियलिज्म जो फिलॉसफी है एजुकेशन में इन लोगों का क्या इम्प्लीकेशंस है, एम्स ऑफ एजुकेशन से लेके डिसिप्लिन तक क्या फैक्ट्स इन्होंने फॉलो करने के लिए कहा है इस इज्म के अनुसार. तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस पहले एम्स ऑफ एजुकेशन देखेंगे, उसमें कहा गया है फर्स्ट इज डेवलप वंस यूनिकनेस, हर एक इंसान का जो एक यूनिक क्वालिटी है
जो एक यूनिक फीचर होता है उसको पूरी तरह से डेवलप करना है थ्रू एजुकेशन। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, जो पर्सनैलिटी होती है हर एक चीज़, हर एक इंसान के, उनको अच्छी तरह से और डेवलप करना है थ्रू एजुकेशन। परफेक्शन, टू गिव परफेक्शन, एक आदमी को एजुकेशन से जो परफेक्शन है, तो थ्राइव इन दिस एनवायरनमेंट, इस एनवायरनमेंट में थ्राइव, इस एनवायरनमेंट में आप सस्टेन करने के लिए या सर्वाइव करने के लिए जो आपको परफेक्शन चाहिए वो थ्रू एजुकेशन मिलनी चाहिए। टू मेक बेटर चॉइसेस एंड आइडियाज़, हम जो चॉइस करते हैं वो सही है या गलत है, किस तरह का चॉइस करने से हमारे लिए लाभदायक है, सो उस तरह का जो थ्रू एजुकेशन वी कैन टेक, मीन्स एजुकेशन टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड टू मेक बेटर चॉइसेस और बेटर आइडियाज़, अच्छे चॉइस, अच्छे आइडियाज़, मच बेटर, इस तरह का थ्रू एजुकेशन, मीन्स एजुकेशन हेल्प करते हैं एक चाइल्ड को सो दैट ही कैन मेक हिज चॉइसेस एंड आइडियाज़ मच बेटर। ठीक है, ये एम होना चाहिए कि बच्चे का जो आइडियाज़ है, उसका जो चॉइस है, उसको सही ट्रैक पे लाया जा सके। नेक्स्ट, कॉन्शियस ऑफ डेस्टिनेशन, जो डेस्टिनी है हमारा, जो एम है हमारा, जो गोल है, उसकी तरफ हमारा कॉन्शियसनेस लेवल कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये थ्रू एजुकेशन हमें मिलनी चाहिए। अवेयर ऑफ, टू मेक अवेयर ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रीडम, ये जो हर एक इंसान का जो एक फ्रीडम देने की बात कही गई है इस फिलॉसफी में, तो उसको एक प्रॉपर ट्रैक चाहिए। हमें अवेयर होना चाहिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, किन फ्रीडम्स की ओर एक इंसान का जो फ्रीडम पाने की चाह है, तो ये जो पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्रीडम है, मीन्स आपको पूरी तरह से तो फ्रीडम नहीं मिल सकता, आप तो हर कुछ चीज़ नहीं कर सकते, आपको लॉज एंड रूल्स रेगुलेशंस को तो तोड़ के आपको नहीं करना है, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है, किस तरह की फ्रीडम तक हम एक्वायर कर सकते हैं, तो थ्रू एजुकेशन वो हमें दिया जाना चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिज्म है। करिकुलम में इट शुड नॉट बी एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, अप्रोप्रिएट टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का जो नीड है, उसको इंटरेस्ट्स है, जो टेंडेंसीज है, पोटेंशियलिटीज है, उसके अनुसार पूरी वो करिकुलम बनना चाहिए। करिकुलम, आपको ये पता है, इज नॉट ओनली अबाउट दिस सब्जेक्ट्स बट इट इज़ इन टोटलिटी, जो हम स्कूल के अंदर, स्कूल के बाहर, जो भी हम विद इन द कैंपस हम जो भी करते हैं, तो उसका एक टोटलिटी होता है, तो जो भी करेंगे शुड बी अप्रोप्रिएट टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के नीड और अटेंडेंसीज के अंदर से होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर, ये जो फिलोसफी, इट इज़ बेस्ड ऑन इंडिविजुअलिस्टिक इंडिविजुअलिटी, सो एवरी चाइल्ड शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी, हर एक चाइल्ड के इंडिविजुअलिटी को फोकस करके करिकुलम बनाना चाहिए। सेंट्रल प्लेस टू ह्यूमैनिटीज, पोएट्री, ड्रामा और इन कुछ ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स पर इन्होंने फोकस डाला है, कि सिर्फ, हाँ, साइंस को भी फोकस किया है, कि सिर्फ साइंस को ही नहीं, इन इन सब्जेक्ट्स को भी फोकस करना चाहिए, ये अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियलिज्म है। ठीक है, क्योंकि आप साइंस को निग्लेक्ट करके नहीं चल सकते, जैसे कि एग्जिस्टेंशियलिज्म ने कहा है कि ट्रूथ शुड बी सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव, ये नॉट ऑब्जेक्टिव कहा है, नॉट ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं कि साइंस को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि साइंस को फॉलो करना ज़रूरी है, जितनी हद तक हमें फॉलो करना है उतनी हद तक करेंगे, साइंस शुड नॉट बी कंट्रोलिंग अस बट वी शुड कंट्रोल इट, ठीक है, इस तरह का होना चाहिए। साइंस पर बिलीव है, साइंटिफिक एटीट्यूड्स, अंधविश्वास नहीं करेंगे, साइंटिफिक एटीट्यूड्स पर ही जाएंगे, तो साइंस तो होगा ही, उसके अलावा ह्यूमैनिटीज, पोएट, ड्रामा, आर्ट एक्सेट्रा, ये सब होनी चाहिए। सोशल साइंस होना चाहिए ताकि जो मॉरल वैल्यूज है इनकल्केशन कर सकता है, तो सोशल साइंस इज अ सब्जेक्ट विच कैन हेल्प अ स्टूडेंट टू इनकल्केट द वैल्यूज, ठीक है। और करिकुलम पूरा यूटिलिटी के ऊपर, यूटिलिटेरियन, ये पूरी तरह से यूटिलाइजफुल होना चाहिए, कि जो हमारे रियल लाइफ सिचुएशन पर बेस्ड होकर कि हम जो भी सीखते हैं स्कूल में, ताकि वो हम यूटिलाइज कर सकें हमारे रियल लाइफ सिचुएशन में, इस तरह का करिकुलम होना चाहिए। रियल लाइफ से कोई कनेक्शन ना हो, इस तरह का नहीं होना चाहिए। टीचिंग मेथड, सोक्रेटिक मेथड को यहाँ फोकस किया है। सोक्रेटिक मेथड का अर्थ है, ये एक आर्ग्यूमेंटिव डायलॉग मेथड है, कि जहाँ पे क्वेश्चन आंसर किया जाता है, क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन
कर सकते हो, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपका जो सेटिस्फैक्शन है, आपका जो कुछ जानने की चाह है, वो क्यूरियोसिटी डाउन होगी. तो ये एक इंडिविजुअलिस्टिक अपने आप के लिए आप कर रहे हो. तो यू आस्क क्वेश्चंस एंड समबडी विल गिव आंसर्स, और इट कैन बी लाइक कोई आपको क्वेश्चन पूछता है, आप उनके आंसर्स देते हैं. ये एक आर्ग्यूमेंट की तरह भी हो सकता है, सिंपल डायलॉग भी हो सकता है. तो इससे क्या होता है कि आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस है वो अच्छा होता है, और आपका जो क्यूरियासिटी होता है वो सेटिस्फाई होता है. यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन को, जो आपका इंडिविजुअल डिजायर है, जो आपका इंडिविजुअल क्यूरियोसिटी, उसको सेटिस्फाई करने के लिए सोक्रेटिक मेथड यूज करता है, करना चाहिए अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंशियल क्लासरूम में. ये जो क्वेश्चन आंसर मेथड, ये होना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे का सोचने का ढंग अलग होगा, क्यूरियोसिटी माइंड अलग होगा, वो कुछ और जानना चाहेगा. तो ये हर एक बच्चे का जो क्वेश्चनिंग करने का जो एक क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करने का जो तरीका है, उसको टीचर को डिस्करेज नहीं करना चाहिए. हर एक क्वेश्चन का आप आंसर दें, और क्वेश्चन आंसर डजन मीन कि स्टूडेंट ही आपको टीचर को क्वेश्चन करेंगे. टीचर शुड ऑल्सो क्वेश्चन द चाइल्ड सो दैट टीचर कैन नो हाउ ही इंडिविजुअली हाउ ही इज नॉलेजेबल, उसको कितना पता है, उसका इंडिविजुअल डिफरेंस स्टूडेंट्स अलग मीन्स उनके हर एक चिल्ड्रन का जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो पता चल सके इन क्वेश्चन आंसर मेथड से. ठीक है, नेक्स्ट है पर्सनल रीडिंग मेथड. पर्सनल रीडिंग मेथड आपको पता है, पर्सनली एवरी चाइल्ड शुड सेटिस्फाई देयर अर्जेस थ्रू रीडिंग प्रोसेस. ये पर्सनल रीडिंग प्रोसेस बहुत अच्छा है, कि कोई एक को ही ये नहीं, सबको इंडिविजुअल एक रीडिंग जो प्रोसेस है उसमें भाग लेना चाहिए. टीचर को क्या होना चाहिए, हेल्प स्टूडेंट्स रियलाइज सेल्फ. जो सेल्फ है उस रियलाइज करने के लिए टीचर उसको अपॉर्चुनिटीज दे, प्लेटफॉर्म दे, सो दैट ही कैन नो हिम सेल्फ. हाउ, कुछ ऐसे मेथड्स है, जैसे कि जो एक्सटेम्पो स्पीच होता है, छत से आप कोई टॉपिक ले लो और उसके बारे में कैसे हो, तो इससे क्या पता चलता है, आप खुद को पता, आपको कितना उस पर नॉलेज है, आप कितना कर सकते हो, आपका एक रियलाइजेशन होता है सेल्फ. सो वो हो सकता है. प्रोवाइड फ्री एक्टिविटीज, टीचर को इस तरह से प्लेटफॉर्म देना चाहिए कि हर एक बच्चा अपना जो एक्टिविटी जो करने का जो टेंडेंसी है, जो पोटेंशियलिटी है, उसको डेवलप कर सके. तो ईच एंड एवरी चिल्ड्रन शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू डू एक्टिविटीज फ्रीली. मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी, एक टीचर को इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए कि उनका जो पर्सनैलिटी है वो एक रोल मॉडल की तरह हो, अच्छा पर्सनैलिटी. ईच एंड एवरी स्टूडेंट विल हर एक जो चाइल्ड होता है, हर एक बच्चा, वो जो टीचर है उनको एक अलग नज़रिए से देखते हैं. तो टीचर का पर्सनैलिटी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम अपने टीचर को एक रोल मॉडल की तरह रहते हैं कि हाँ, वो जो कर रहे हैं वो सही है. इसीलिए द पर्सनैलिटी ऑफ द टीचर शुड बी गुड वन. उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए. शुड नॉट इम्पोज आइडियल्स एंड वैल्यूज. मैं किसी बच्चे को यही तुम्हें फॉलो करना है, वैल्यूज यही आइडियल्स फॉलो करना है, इस तरह का इम्पोज नहीं करना है. उनका जो खुद का वैल्यू है, उनका जो खुद का आइडियाज है, उनको मैं कैसे एनकरेज कर सकूं, उनको कैसे मैं इमर्ज कर सकूं. ये जो एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो हमने पढ़ा था, टू जर्मन वर्ड से, टू इमर्ज आउट, टू स्टैंड आउट, ईच एंड एवरी स्टूडेंट का मैं किस तरह से उनका खुद का वैल्यू, उनका खुद का जो आइडियाज है, उनको मैं इमर्ज कर सकूं, वो मुझे करना है. मुझे खुद से उन पर कोई आइडियाज या वैल्यूज थोपना नहीं है, नॉट टू इम्पोज एनी आइडियाज एंड वैल्यूज. सो अच्छा, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके अलावा भी है, ये कुछ इम्पोर्टेंस है, मेजर है, जो मैं बता रही हूँ. और भी पॉइंट्स होंगे, एक टीचर्स का स्टेटस क्या होना चाहिए, और मैंने जो नोट दिया है उसमें भी है. तो डिसिप्लिन, नो एक्सटर्नल डिसिप्लिन, फ्री डिसिप्लिन. कोई एक्सटर्नल डिसिप्लिन इम्पोज नहीं किया जाएगा, फ्री डिसिप्लिन हम देखेंगे. और क्या होता है कि बच्चे को जब को कंपिटिशन दिया जाता है, तो उनका एक स्ट्रेस लेवल होता है, उस स्ट्रेस लेवल को हमें रिलीव करना है. कोई कंपटीशन नहीं देना है, कोई पर्टिकुलर फियर ऑफ फेलर, जो फेलर करने का जो फियर होता है बच्चों में, वो नहीं रखना है कि तुम्हें ये पास ही करना है. नहीं, उनका खुद, लेट देम बी फ्री, उनको फ्रीली करना रहने देना है. बस जो निगेटिविटी है और जो पॉजिटिविटी है, उनको ध्यान में रख के बच्चे को फ्री डिसिप्लिन की तरफ
उनको एनकरेज करना है, टीचर को अपने से कुछ भी डिसिप्लिन इम्पोज नहीं करना है, ठीक है। उनका जो खुद का डिसिप्लिन है वो इमर्ज हो, जो कि एग्जिस्टेंशियलिज्म का मेन आइडियल है, जो एग्जिस्टेंशियलिज्म का मेन फोकस है वो रहे, तो इस तरह से डिसिप्लिन करना चाहिए। ये जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन से एग्जिस्टेंशियलिज्म के अंदर इस तरह के इम्प्लीकेशन होने चाहिए एजुकेशनल सेटिंग में, ठीक है। तो हमारा ये एग्जिस्टेंशियलिज्म अब ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो सेकंड पोर्शन ख़त्म है, तो हम नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा ऑलमोस्ट लाइक एजुकेशनल सोशियोलॉजी की तरफ है, तो ये हम स्टार्ट कर लेंगे। तो होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा हो। कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करके पूछें, और वीडियो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिले, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।